हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, इवन मैथ्स के अंदर भी, एसएसटी के अंदर हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में कुछ नए टर्म्स आते हैं, कुछ नए वर्ड्स आते हैं, टर्म्स आती हैं जिनका मीनिंग समझना, जिनकी डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है उस चैप्टर को समझने के लिए और उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए। आपने देखा होगा जितनी भी हेल्प बुक्स होती हैं उसमें जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर बहुत सारी टर्म्स दिए होते हैं, उनके मीनिंग के साथ में, उनकी डेफिनेशन के साथ में, ताकि उस चैप्टर को समझने में आसानी हो सके और उस चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से याद किया जा सके। तो हमारी आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ टर्म्स हम लेकर आए हैं, ऐसे ही कुछ वर्ड्स को हम लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे जिन्हें हम इस वीडियो के अंदर, ताकि हमारा जो आज का चैप्टर है वो आपको आसानी से समझ आ सके और उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में आपको आसानी हो सके। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें से जो टर्म्स पूछे जाने वाली हैं, समझने वाली हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो टर्म है वो है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड क्या था? रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे, कुछ रूल्स थे जो कि नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिनको कि सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता था। और वो जो रूल्स थे, वो जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं को नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। तो नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 जो थे वो वही प्रिंसिपल थे जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट टर्म आती है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? इमर्जेंस ऑफ नेशनल स्टेट, एक नेशन स्टेट, एक कॉमन स्टेट का इमर्ज होना। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, छोटे छोटे एरिया के अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग डायनेस्टीज होती थी, उनके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। तो एक कॉमन स्टेट का इमर्जेंस होना, एक कॉमन स्टेट का बनना, एक पूरे एरिया में एक कॉमन स्टेट का राज होना नेशनलिज्म कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या है? कल्चरल मूवमेंट, एक कल्चरल मूवमेंट जो कि क्या क्रिएट करता है, एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एज अ बेसिस ऑफ नेशन की, वो जो पर्टिकुलर नेशन है उसका जो बेस है वो क्या है, उसका हेरिटेज है, जो उसका इतिहास है, जो भी उसका कल्चर है, जो उसका हेरिटेज है, वही उस नेशन का बेस है जिसके अकॉर्डिंगली वो नेशन जो है वो वर्क करता है, जिसके अकॉर्डिंगली वहाँ के लोग रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है सब टर्म। सब टर्म क्या है? एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग जो पीजेंट्स थे वो रहते थे और फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर काम करते थे। क्योंकि पहले टाइम में जमींदार होते थे, जमींदार लोग रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, पीजेंट्स के ऊपर अत्याचार करते थे, तो सिस्टम को बोला जाता था सर्व टर्म। क्लियर? नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट कौन थे? ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि क्या था, एक मोनार्कल गवर्नमेंट रन करते थे जो कि सेंट्रलाइज होती थी उस पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में ही, कि वो ग्रुप उस गवर्नमेंट को रन करता था, उसमें मिलिट्री होती थी और उनके जो रूल्स होते थे बहुत सप्रेसिव होते थे, लोगों को फ्रीडम नहीं होती थी, लोग लिबरल नहीं होते थे। तो एब्सोल्यूटिस्ट कौन थे? वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मोनार्कल गवर्नमेंट को रन करते थे और जिनके रूल्स सप्रेसिव होते थे, रिप्रेसिव होते थे, उस ग्रुप को बोलते थे, उन लोगों को बोलते थे एब्सोल्यूटिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है यूटोपियन। यूटोपियन एक विजन था, एक आइडिया था, एक ऐसी सोसाइटी का, एक लिबरल सोसाइटी का, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता था लेकिन उस समय में एग्जिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, एक सपने के जैसा था, जैसे कि कोई एक सपना साकार हो जाना। तो वो जो विजन था, वो जो आइडिया था उस सोसाइटी के बारे में, उसको बोला गया था यूटोपियन विजन। क्लियर? नेक्स्ट टर्म पर आते हैं,
नेक्स्ट टर्म है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर नेशन के सोशल और पॉलिटिकल विज़न पर लाइट डालते, प्रकाश डालते, उसको दिखाते हैं। तो वो जो आइडियाज़ होते हैं जो सोशल और पॉलिटिकल विज़न को दिखाते हैं, उसे बोलते हैं आइडियोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? एक सिस्टम है, क्या एक फिलॉसफी है जो कि स्ट्रेस की किसके ऊपर स्ट्रेस करती है, किसको इम्पोर्टेंस देती है? ट्रेडिशनल रूल्स को, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, उनको प्रेफर करती है और चेंज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। नहीं चाहते वो लोग कि चेंज आए सोसाइटी के अंदर, और अगर सोसाइटी में ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उसमें ग्रेजुअल चेंज आए, मतलब धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर चेंज आए, एकदम से चेंज ना आए, क्योंकि नहीं तो उनका साम्राज्य लूट जाएगा, जैसे पहले समय में होता था, बाल विवाह होता था, सती प्रथा थी, गलत रीतियाँ थीं, लेकिन हटाना उनको आसान नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या है? वोट करने का, डायरेक्ट वोट करने का राइट, जो कि पहले के लोगों को नहीं था, कि कोई भी प्रपोजल आए तो उसको एक्सेप्ट करना है, वो लोगों को पसंद आया या नहीं पसंद आया तो उसे रिजेक्ट करना है। तो वो जो पावर होती है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, वो लोगों के पास नहीं होती थी। तो प्लेबिसाइट टर्म किसके लिए यूज की गई? उस वोटिंग राइट के लिए, उस डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम के लिए जो कि लोगों को मिले एक किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट टर्म आती है इथनिक। इथनिक होता है एथिक्स, जैसे कोई भी कम्युनिटी होते हैं उसके कुछ एथिक्स होते हैं, कहते हैं कि भाई ये हमारे एथिक्स हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सिस्टम है, इसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, ये हमारे एथिक्स हैं। ठीक है, तो उस बैकग्राउंड को, उस कल्चरल ओरिजिन को, किसी भी कम्युनिटी के कल्चरल ओरिजिन को बोलते हैं एथनिक। क्लियर? कि मीन्स कि उस कम्युनिटी के जो एथिक्स हैं, उसके जो रिचुअल्स हैं, कल्चरल ओरिजिन जो है, वो पूरा का पूरा जो है वो एथनिक है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है एलेगरी। एलेगरी क्या है? सिंबोलिज्म, किसी भी आइडिया को सिंबलाइज कर देना, या किसी नेशन को एक पर्टिकुलर सिंबल में, किसी चीज़ के रूप में या किसी फिगर के रूप में सिंबलाइज कर देना। जैसे भारत है, भारत का जो एलिग्री है वो भारत माता है, सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक फीमेल फिगर है जो कि भारत की, इंडिया की एलिग्री है। क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ये क्या है? एक एक्ट था, एक ट्रीटी थी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, एक ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी का जो रिजल्ट था वो क्या था? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का जो ग्रेट ब्रिटेन था उसका फॉर्मेशन हुआ था उस ट्रीटी के चलते, उस समझौते के होने से। और वो समझौता किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड के बीच में और स्कॉटलैंड के बीच में। और उस समझौते को क्या नाम दिया गया? एक्ट ऑफ यूनियन 1707। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है मैरियाने। जैसे भारत की फीमेल फिगर है भारत माता, इसी तरह से फ्रांस की जो फीमेल फिगर है, फीमेल एलेग्री है, वो मैरियाना, मैरियाने उसको बोला जाता है, फ्रांस की एलेग्री को। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है जर्मेनिया। जर्मेनिया जर्मनी की फीमेल फिगर है, कैरेक्टर है, सिम्बोलिज्म है जर्मनी का। जर्मनी एक देश है, जर्मनी देश के नेशन के जो एलेगरी है उसको बोला जाता है जर्मेनिया। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है बालकान रीजन। बालकान रीजन क्या था? एक जियोग्राफिकल रीजन है, एक लैंड एरिया है जिसके ऊपर रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, जाता था स्लैब्स कहा जाता था उनको। और वो जो एरिया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था उस लैंड एरिया का, वो ओटोमैन एम्पायर के अंडर था, ओटोमैन का कंट्रोल था उसके ऊपर। और उस एरिया के ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलते थे, बहुत अटैक्स होते थे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड, रशिया, हंगरी
मतलब इस तरह की कुछ कंट्रीज थी जो कि उसके ऊपर अटैक करती रहती थी अपना साम्राज्य बनाने के लिए, कि इसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाए, हमारा अधिकार हो जाए। तो आपस में लड़ते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। और ये जो बालकान रीजन था, ये बहुत बड़ा एक कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था बालकान रीजन का। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन गए थे उसके ऊपर। नेक्स्ट टर्म आती है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? फ्रीडम, आज़ादी, फ्री होना। तो लिबरलिज्म, लिबरल होना, मार्केट्स में लिबरलिज्म होना, एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होना, किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो कहीं आने जाने के लिए, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। तो वो जो सिस्टम होता उस सिस्टम को, उस फ्रीडम को बोला गया लिबरलिज्म। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय।